मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, तो प्राथमिक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी प्राथमिक नर जनन अंग है। तो हम जो है दो टेस्टिस बना लेते हैं और ऐसे, तो ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस जो है 5 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े हैं और ये जो है इनको हम कहेंगे टेस्टिस, कहेंगे टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो नर जनन अंग है। टेस्टिस के बाहर से खोल है जिसे हम जो है स्क्रॉटम कहेंगे या स्क्रॉटम कहेंगे। ऐसे स्क्रॉटम जो है इनकी वजह से टेस्टिस उधर गुहा से बाहर शरीर के बाहर अटके रहते हैं और आप देखेंगे कि जो है कुछ बातें मैं आपको जो है कोर्स आपकी एनसीईआरटी की किताब से थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो जब आप सीपीएमटी की तैयारी वगैरह करते हैं तो जब आप तैयारी करेंगे तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको याद आएंगी। तो यहाँ पर जो है दो डक्ट्स हैं, दो कॉर्ड हैं सॉरी, जो कहलाते हैं यहाँ पर हैं, ये कॉर्ड्स कहलाते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। यहाँ पर दो कॉर्ड्स, कॉर्ड्स मतलब रस्सी जैसी संरचना है जिनसे टेस्टिस कैविटी में सस्पेंडेड है। ठीक है, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के भीतर जो है नर्व्स हो गई, तंत्रिकाएं और ब्लड वेसल्स हो गई, रुधिर नलिकाएं, आर्टरीज, वेन्स, सब जो है इस कॉर्ड के अंदर से टेस्टिस तक पहुंचती है। इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी की बुक में कोई बात नहीं कर रखी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए मैंने आपको बताया। हम जो है इसको क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रहा है वो, तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए जो है हटा देते हैं
इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब आते हैं हम पहले इस परमेटिक ऑर्डर जो है, अब जो है ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस है, ये है आपका ये है स्कॉटम, स्कॉटम जिसे हम जो है वृषण कोश कहते हैं, वृषण कोश। वैसे मेरा आपको ये सुझाव है कि आप जहाँ तक हो सके इंग्लिश में वर्ड्स को याद रखें, इंग्लिश के वर्ड्स याद करें, जैसे वृषण कोश को आप स्कॉटम याद कीजिए, वृषण को टेस्टिस याद कीजिए, क्योंकि आगे जब आप ट्वेल्थ करने के बाद जब MBBS वगैरह करेंगे तो आपको ये सब हिंदी में नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, तब आपको कठिनाई आएगी। तो आज से ही तैयार रहिए, उनके इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कीजिए, जहाँ तक हो सके आंसर भी अगर आप जो है थोड़ा बहुत इंग्लिश में दे सकें तो अच्छी बात है। आंसर्स को इंग्लिश में लिखने की कोशिश प्रयास कीजिए। अब ये स्क्रॉटम और टेस्टिस हमने बना दिया। स्क्रॉटम भी एक हल्के फुल्के से मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स जो है स्क्रॉटम को सिकुड़ने में और फैलने में मदद करता, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो है यहाँ पर कुछ मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं गबर्निकुलम। ये मसल्स जो हैं स्क्रॉटम को ये सिकुड़ना और फैलाने का काम करते हैं। तो जाड़ों में जब ठंडा ज़्यादा हो जाता है तो ये स्क्रॉटम, ये जो स्क्रॉटम है इसकी मसल्स जो हैं ये सिकुड़ती हैं, और टेस्टिस जो है शरीर के नज़दीक आ जाता है। गर्मियों में जब गर्मी बढ़ती है तो जो है गर्मियों में जब गर्मी बढ़ती है तो ये टेस्टिकल्स जो है ये नीचे लटक जाते हैं गर्मी से, क्योंकि गबर्निकुलम ये जो है और ये मसल्स जो है ये शिथिल हो जाती हैं। तो हमने ये पढ़ा कि अधिकांश मैमल्स में, मैमल्स स्तनधारियों में टेस्टिकल्स या टेस्टिस शरीर के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजोआ का बनना, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनने की क्रिया के लिए शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री तापमान कम होना आवश्यक होता है, इसलिए ये टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं। और कई जानवरों में जैसे हाथी है, ब्लू व्हेल है, इन जानवरों में टेस्टिस शरीर के भीतर ही होते हैं, बाहर स्क्रॉटम में नहीं होते हैं, शरीर के भीतर होते हैं।
इसका मतलब यह है कि इनको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के तापमान के बराबर के तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा जो है 7 महीने के जब जब बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ में होता है, 7 महीने का होता है, तो 7 महीने तक उसके टेस्टिस जो हैं, ये जो उदर है यहाँ पर पेट का हिस्सा है, जो उदर का हिस्सा है ऊपर, इसमें जो है टेस्टिस होते हैं। 7 महीने में जो है शरीर के ऊपरी हिस्से में टेस्टिस होते हैं। जब बच्चा जो है 7 महीने का होता है माँ के उदर में, माँ के गर्भ में, तब ये टेस्टिस जो है ये नीचे स्क्रॉटम में आ जाते हैं। और अगर किसी बच्चे में यदि ये स्क्रॉटम नीचे नहीं आ पाए, नीचे को नहीं आ पाए, तो उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है और फिर उस डॉक्टर उसके टेस्टिकल्स को ऑपरेशन के द्वारा नीचे ले आते हैं। उसको ऑपरेशन के द्वारा नीचे स्क्रॉटम में लाया जाता है। तो हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर ये जो स्क्रॉटम के अंदर की कैविटी है, यहाँ पर जो खाली स्थान है, इसको हम वजाइनल कैविटी कहते हैं, वजाइनल कैविटी। और इसके अलावा जो है आप पढ़ेंगे कि पुरुष में यूरिन, पेशाब और शुक्राणु, इनका मार्ग जो है वो एक ही होता है। यानी कि जो है जिस पथ से शुक्राणु निकलते हैं उसी पथ से पेशाब भी, मूत्र भी निकलता है। तो इसे हम जो है पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यूरिनो जेनाइटल सिस्टम भी कहते हैं। यूरिनो जेनाइटल सिस्टम, यूरिनो जेनाइटल सिस्टम, क्योंकि इसमें यूरिन और जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, जेनाइटल मतलब यौन अंग, अंग्रेजी में जेनाइटल ऑर्गन्स हम कहते हैं यौन अंग उनको, तो यूरिन और स्पर्म्स का रास्ता एक ही है, इसलिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं। तो अब जो है यूरिन कैसे आती है, यूरिन के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन स्टोर होती है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जो एक मसल का बना हुआ ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है और ये हमारे शरीर का
सबसे अधिक फैल सकने वाला अंग है, यानी कि जो है हमारे शरीर में जो अंग सबसे ज्यादा फैल सकता है वो है यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जो है हमें बहुत लंबे समय तक के लिए कभी कभी पेशाब को स्टोर कर के रखने की जरूरत पड़ सकती है। जब हमें जो है कहीं टॉयलेट न मिले तो हम काफ़ी घंटों तक जो है अपनी पेशाब को स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए जो है ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में फैलने वाला अंग है, ये आपका जो है यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर में किडनी से ये हमारी किडनी है, किडनी से पेशाब बनती, किडनी में बनती है पेशाब, और यहाँ दो नलिकाएं हैं, नलिकाओं से पेशाब जो है हमारी किडनी में आती है। इन नलिकाओं को हम कहते हैं यूरेटर, नलिकाओं को हम कहते हैं यूरेटर। ये हो गई किडनी। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो इस यूरिनरी ब्लैडर में आपकी यूरिन यूरिन स्टोर होती है, इसको हमने ऐसे हाईलाइट कर दिया है। यह है यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं पेशाब की थैली। ठीक है, तो ये तो आपका मूत्र तंत्र हो गया, यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ये किडनी हो गई, यहाँ पर किडनी को बना देते हैं, हम हाईलाइट कर देते हैं। एक किडनी हो गई। तो ये तो हो गया पेशाब का रास्ता या यूरिन का रास्ता हो गया। ठीक है, अब ये जो है पेशाब को शरीर से बाहर निकालने के लिए पुरुषों में एक शिश्न होता है, या जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कह देते हैं पेनिस, इसे कहते हैं पेनिस। यहां पर आपका मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, पेशी अंग है, जिसे हमने कहा पेनिस। इस पेनिस से जो है पेनिस के रास्ते पेशाब और शुक्राणु वीर्य
दोनों जो है एक ही रास्ते से, एक ही मार्ग से होकर के शरीर से बाहर निकलते हैं, एक ही मार्ग से निकल के बाहर निकलते हैं। और इस नली को जिससे जो है पेशाब और पेशाब और सेमन वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं, इसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ऊपर हमने यहाँ पर यूरेटर पढ़ा था ऊपर, और यहाँ पर इसका नाम है यूरिथ्रा। अब ये जो है पेनिस हो गया, इसको हम ऐसा करते हैं कि जो है हम दूसरे रंग की पेन से दिखा देते हैं, इसको हम जो है दूसरे रंग से दिखा देते हैं। ये जो है पेनिस हो गया, ये जो है पूरी तरह से मसल का बना हुआ है, मांसपेशी का बना हुआ है, इसमें कोई हड्डियां नहीं है। ठीक है, हमारे शरीर में एक हमारी जीभ है और एक पेनिस है, इसमें कोई हड्डियां नहीं है। और जिस छिद्र से पेशाब बाहर निकलती है, जनन छिद्र है ये, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं, इस छिद्र को कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, MEATUS, यूरेथ्रल मीटस। अब टेस्टिस के बारे में देखते हैं। टेस्टिस से शुक्राणुओं को लेकर के आने वाली नलिका, ये एक नली है जो शुक्राणुओं को लेकर के आ रही है। नली जो है इसके ऊपर से ही यूरेटर के ऊपर से घूम करके आ रही है, इसके ऊपर एक उसने फंदा बनाया और यहाँ से नीचे को आकर के यूरिथ्रा में मिल गई। ऐसे इसी तरफ से भी एक नली यहाँ से यूरेथ्रा में एक फंदा बना करके घूम करके यहाँ से आकर के मिल गई इस तरह से। इस नली को कहते हैं, इस नली को कहते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो दोनों तरफ से एक नली आ रही है, नली आ गई, ठीक है। और इस नली को हमने कहा, इस नली को हमने कहा वास डिफरेंस। दोनों तरफ की वास डिफरेंस जो है वो यूरेटर के ऊपर से घूम करके यूरिथ्रा में खुल गई है, यूरिथ्रा में खुल जाती है। तो जो शुक्राणु बनते हैं वो वीर्य में मिल करके इस वास डिफरेंस से होते हुए इस यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा अब ये तो इसकी डक्ट्स हो गई, ठीक है, वास डिफरेंस और ये
यहाँ पर एक एलेनोमा संरचना है, जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस में शुक्राणु स्टोर होते हैं, संचित होते हैं, और यहीं पर शुक्राणुओं का विकास होता है। इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। तो हमारी इन नलियों में एक एपिडिडाइमस, एक वास डिफरेंस और एक ये यूरेथ्रा। जब इस यूरेथ्रा से वीर्य निकलता है, इससे होकर के वीर्य गुजरता है, तो इसे कभी कभी हम यह कई पुस्तकों में इजैकुलेटरी डक्ट कहा गया, इजैकुलेटरी इसके अलावा जहाँ पर ये पेशाब की का थैला यूरेथ्रा में खुल रहा है, और ये जो सेमाइनल, ये जो डक्ट्स हैं जहाँ पर ये खुल रही हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा अखरोट के दाने के बराबर का एक ग्रंथि है, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हम अलग रंग से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये कोई और अलग चीज है। यहाँ पर एक ग्रंथि है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पौरुष ग्रंथि कहलाती है, पुरुष पौरुष ग्रंथि भी कहलाती है हिंदी में। और पौरुष ग्रंथि ये एक प्रकार का बेसिक मीडियम तैयार करती है जो सेमन को, स्पर्म्स को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करती है, और एल्कलाइन मीडियम बनाती है। इसमें कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो इस पैसेज को, इस यूरेथ्रा के पैसेज को एल्कलाइन मीडियम बनाती हैं, ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया आदि अगर हो तो मर जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड ये पुरुषों के लिए एक चिंता का कारण इसलिए है कि उम्र बढ़ जाने पर 50-60 साल की उम्र के बाद ये प्रोस्टेट ग्रंथियां ये फूल जाती हैं। तो पेशाब के निकलने के रास्ते की इस नली को, जिसे हम यूरेथ्रा कह रहे हैं, इस नली को चोक कर देती है, बंद कर देती है इसको, तो पेशाब निकलना बंद हो जाता है। तो आदमी को बहुत परेशानी होती है जब उसकी पेशाब बंद हो जाएगी। तो आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट ग्रंथियां बढ़ गई हैं। ये अमूमन उम्रदार लोगों में होता है, 50-60 साल के बाद ये दिक्कत आ सकती है। और पुरुषों में ज्यादातर जो कैंसर होता है, अधिकतर वो कैंसर ये प्रोस्टेट ग्रंथियों में दूसरा सबसे बड़ा कारण है। लंग्स के बाद सबसे ज्यादा कैंसर होने की संभावना पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि में होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथियां
ये एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, द्वितीयक ग्रंथियों में आएगी। इसके अलावा जो है तो और महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं जिन्हें हम, जिनमें से एक होती है यहाँ पर स्थित है, ठीक है, जहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसी के दोनों तरफ जो है दो और ग्रंथियां हैं। इस तरह से इन्हें मैंने जो है पत्तियों के आकारों बना दिया है। तरह से इनमें जो है स्पर्म्स, इनमें जो है वीर्य बनता है, सेमन, तो इनको हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल, वेसाइकल मतलब थैलियां होती है, वेसाइकल शब्द का अर्थ होता है थैली। तो कैसी थैली है? वीर्य, वीर्य को बनाने वाली थैलियां। तो जो वीर्य बनता है ये सेमाइनल वेसाइकल में बनता है और यहीं स्टोर होता है। तो जब यहाँ से स्पर्म्स जो है टेस्टिस से बन करके इस वास डिफरेंस से होकर के निकलते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ग्लैंड के पास पहुँचने पर सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्रंथियों का जो रस है, सिक्रीशन है, और जो सेमाइनल वेसाइकल्स हैं, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है इसमें मिल जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर दो ग्रंथियां और हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पस ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, ये भी एक जैस एक चिपचिपा पदार्थ श्लेष्म बनाते हैं, उस सिक्रीशंस बनाते हैं जो इस वीर्य के साथ मिलकर के पेनिस पेनिस के रास्ते से ये बाहर आते हैं। तो ये जो कॉपर्स ग्लैंड है जिसे आप जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, इनसे कुछ श्लेष लस लसा पदार्थ बनता है जो है पेनिस को कॉपुलेशन में मदद करता है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्शन।